सड़कों पर गाय, ये देखिए गाय माता, जी हाँ इन्हें गाय माता कहा जाता है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से जगह लेकर बैठी हुई हैं, शायद इनके जो मालिक हैं, जो जिन लोगों ने इनको रखा हुआ है, वो सिर्फ इनका इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं सड़कों पर, ताकि कोई दुर्घटना हो, लोगों के एक्सीडेंट हो। और आए दिन हम देखते हैं, और ये पहले भी देख चुके हैं कि जो पशु इस तरह से सड़कों पर बैठे होते हैं और वाहनों के साथ टक्कर होती है, कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों ने जान तक भी गंवाई है, लेकिन अभी तक लोगों को शर्म नहीं आई कि इस तरह से पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये कोई आवारा पशु नहीं है, ये पालतू पशु हैं, और लोग जो हैं, जैसे हम बता दिए, ये सब ऐसा लग रहा है कि दूध वाले पशु हैं, और लोग सुबह दूध लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं सड़कों पर, ताकि कोई दुर्घटना हो। अब इनका भी ख्याल नहीं, हम देखते रहते हैं कि गायों के साथ किस तरह से गाड़ियां टकराती हैं, गाय जो माता हैं वो सड़कों पर पड़ी रहती हैं, कोई उन्हें उठाने नहीं आता। लेकिन अब ये देखिए, आप सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या इधर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो कौन है इसका जिम्मेदार? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने इनको रखा हुआ है, और क्यों इनको सड़कों पर छोड़ा हुआ है? अगर वो इनका पालन पोषण नहीं कर सकते तो उन्होंने इनको रखा क्यों है? आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे पहले हमने बता दिया, लेकिन हमारे साथ इस समय वार्ड नंबर 2 के पार्षद सुनील परोच मौजूद हैं, ये भी नगर परिषद के सदस्य हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से, देखिए आप सड़कों पे बैठे हुए हैं, पशु लोग इस तरह से दूध लेने के बाद छोड़ देते हैं इनको। देखिए अरुण जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर गाय का एक बहुत बड़ा महत्व है, गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये गाय पाल रखी हैं। और आप देखिए कि आप किस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से इनका शोषण ये हो रहा है कि आप इनका दूध निकालते हो, घर में पीते हो या सेल करते हो, और उसके बाद आप गाय माता को इस तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं, ताकि एक तो इनकी जान को भी खतरा है, और दूसरा आप देखिए कि हमारे जो बच्चे या जो राहगीर जो गाड़ियाँ लेकर यहाँ से गुजरते हैं, आपस में इनकी भिड़ होने से अक्सर यहाँ पर, ये दार रोड पर खासतौर पर कहूँगा कि ऑलरेडी इतने एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं इन आवारा जानवरों की वजह से जो लोगों ने छोड़ रखे हैं। और नगर परिषद की बात करें तो हमने बहुत बार अपने हाउस के अंदर भी इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से रखा, और हमने यहाँ तक कहा है कि आप इन गायों के जो मालिक हैं, आप उन पर हैवी फाइन जो है वो इम्पोज कीजिए, ताकि उन लोगों को सबक लगे कि वो इनका दूध लेने के बाद इस तरह से सड़कों पर आप इनको मरने के लिए, जान लोगों की जान माल को खतरे में डालने के लिए, उन पे मैं कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए। सर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपने अपने जो हाउस की मीटिंग होती है उसमें ये मुद्दा रखा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा हाउस है, आप सब जानते हैं कि एक, मैं कहता हूँ कि बीजेपी रन बाय जो म्यूनसिपल काउंसिल है, और किस तरह से इनके द्वारा बड़े बड़े स्लोगन भी दिए जाते हैं गौ माता पर, लेकिन काम करके कोई राजी नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी का लालच है। आए दिन जो समस्याएं हैं, अंबार लगे हुए हैं, ये भी उनमें से एक समस्या है, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए या कोई हल निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए आपको दिखा कोई, आप बताइए ना, कोई पहल की? पूरी हमारा पूरा म्यूनसिपल तंत्र है, आज बेहतर होता कि इन सब गायों को जब्त करके जो हमारा कैटल शेड बना हुआ है वहाँ पर रखी जानी चाहिए थी, और जो जो भी आते उन जो इनके मालिक जो इनके जो क्लेम करते कि ये गाय मेरी है, ये मेरी है, उनके ऊपर पहले तो FIR होनी चाहिए, FIR, और उसके बाद हैवी फाइन इम्पोज करके उनको ये सपूत उनको ये जानवर सौंपने चाहिए, ताकि वो इस तरह से दोबारा बाहर ना निकाले। शुक्रिया। तो हैवी फाइन होना चाहिए, एक जिस तरह से सुनील परोच जी का कहना है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोबारा कि कुछ गायें दूध देती हैं लेकिन कुछ नहीं देती। अगर इन गायों के साथ कोई ऐसी वैसी दुर्घटना होती है, कोई टक्कर होती है, जख्मी होती हैं, तो फिर बड़ी बात है, जो मालिक हैं वो उन्हें लेने भी नहीं आते हैं। बहुत बार हम ये देख चुके हैं, कुछ महीने पहले हमने देखा था कि एक घोड़ा जो है वो ज़मीन पर पड़ा, इतना तरस रहा था कि कोई उसे उठाए, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आ रहा था। अब वो घोड़े का मालिक जो है उसने उसका इस्तेमाल किया, उससे पैसे कमाए और छोड़ दिया मरने के लिए। अब इसी तरह से ये पशु जो हैं, कुछ दूध देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो दूध देते हैं, देखिए तो वो उनको, जो दूध लेने वाले जो मालिक हैं, वो दूध निकालते हैं सुबह, फिर छोड़ देते हैं और शाम को फिर ले जाते हैं, लेकिन क्या सड़कों पे
पलने के लिए रखे हैं उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये देख आप सड़कों पे देखिए आप किस तरह से खड़े हैं और गाड़ियों को कितनी तकलीफ, और ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी ने इस रूट से जाना था लेकिन अब वहाँ से जाने को मजबूर है, कारण क्योंकि यहाँ पे पशुओं ने सड़क को ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से जानी थी अब वहाँ से जा रही है, कारण क्या है, पशु कारण है। तो कौन है इसका जिम्मेदार, प्रशासन को देखना होगा, म्यूनसिपल कमेटी को देखना होगा कि आखिरकार कब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।